आसमान से बरस रही आग के वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मशीनें भी त्रस्त हैं। अधिक तापमान के कारण ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं और अगली आग भी लगती हुई नजर आ रही है। लाखों लोगों को बिजली की समस्या झेलनी पड़ रही है, लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए ट्रांसफार्मर के आगे कूलर लगाए गए हैं जिससे उनका तापमान नियंत्रण में रहे। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट पावर हाउस में ट्रांसफार्मर के आगे बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। यहां से लगभग 14,000 घरों में बिजली सप्लाई होती है। अधिकारियों का कहना है कि कूलर लगने की वजह से 10 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अगर तापमान 90 डिग्री के ऊपर गया तो बिजली अपने आप ट्रिप हो जाती है या उससे ज्यादा होने पर आग भी लग जाती है। आसमान से बरस रही भीषण गर्मी से सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं बल्कि मशीनें भी त्रस्त हैं। ट्रांसफार्मर्स गर्मी की वजह से फूंक रहे हैं, उनमें आग लग रही है और बिजली कटौती इसी वजह से करनी पड़ रही है। लेकिन इससे बचाव के लिए जगह जगह पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और सहारा स्टेज के पास ये जो पावर हाउस है उसमें ये बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए। आमतौर पर ये कूलर आप इंसानों के लिए देखते हैं या फिर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए देखने को मिलता है, लेकिन मशीनों के लिए भी अब कूलर लगाना पड़ रहा है क्योंकि भीषण गर्मी बहुत ज़्यादा है। 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर राजधानी लखनऊ का हो रहा है। ऐसे में ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये गर्मी की वजह से बिजली सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से ये गर्म होके ब्लास्ट हो जाते हैं, इनमें आग लग रही है तो इसको ठंडा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए ये पूरी व्यवस्था है, पानी से छिड़काव भी ट्रांसफार्मर्स के ऊपर यहाँ पर किया जाता है और ये कूलर पूरे में लगे हुए हैं ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, लोगों को समय पर बिजली दी जा सके। और इस ट्रांसफार्मर से इस उपकेंद्र से लगभग 14,000 घरों में बिजली जाती है। यहाँ पर हमारे साथ एक्सजीएन है, उनसे बात करेंगे कि इससे लाभ क्या होता है और क्यों आखिरकार ट्रांसफार्मर्स में बार बार जो है वो आग लग रही है। सर क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम डीपी सिंह है। डीपी सिंह जी ये बताइए, ये जो व्यवस्था की गई है कूलर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर्स के लिए, इससे लाभ मिलता है कुछ? हाँ इससे लाभ मिलता है। इससे पहले लोड अधिक होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर बाइंडिंग टेम्परेचर 75 डिग्री चल रहा था वो इसमें 65 डिग्री घट के हो गया। ये वजह है कि लगातार व्यवस्था की जा रही है यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो AK शर्मा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनका भी यही कहना है कि जो पूरी बिजली है वो सभी को मिलनी चाहिए, कहीं भी कटौती ना हो। खासतौर पर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो बिजली सप्लाई समय पर ज़रूर की जा रही है, लेकिन गर्मी अत्यधिक होने की वजह से ट्रांसफार्मर फूकते हैं, आग लग जाती है। लेकिन इससे बचाने के लिए कूलर्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो इंजीनियर साहब हैं एक्सजीएन हैं उनका कहना है कि लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर 75 डिग्री टेम्परेचर इनका हो जाता है और इस कूलर लगने की वजह से और पानी के छिड़काव की वजह से 10 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, 65 डिग्री तक आता है और अगर 90 डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर जाता है तो अपने आप ये ट्रिप कर जाते हैं, जल जाते हैं। तो 65 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो हो जाता है, कम कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं राहत मिल रही है इन ट्रांसफार्मर्स को जिसकी वजह से 13 से 14,000 घरों में लगातार बिजली सप्लाई की जा रही है। कंसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।